दोस्तों आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में व्हाट्सअप का मैं 3 ऐसे सेटिंग बताऊंगा जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर आप व्हाट्सअप यूज करते हो तो आपको 3 सेटिंग जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 3 सेटिंग आपके लिए बहुत ही यूजफुल और बहुत ही ज़रूरतमंद होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहें, क्योंकि आज के इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि व्हाट्सअप का 3 ऐसे सेटिंग बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देर के वीडियो करते हैं स्टार्ट। जिससे पहले चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करते हैं। चलिए चलते हैं मोबाइल को होम स्क्रीन पर, फिर जाता हूँ सेटिंग कहाँ से और कैसा सेटिंग है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल का होम स्क्रीन पर। तो चलिए मैं कर लेता हूँ अपना व्हाट्सअप ओपन। देखिए मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सअप ओपन कर लिया है। आप थोड़ा देर के लिए सोचने पड़ गए होंगे कि मैंने यहाँ मनीष कश्यप का फोटो कैसे सेट कर दिया है। तो ये जो है ये मेरा GB व्हाट्सअप है। अगर आप भी GB व्हाट्सअप चलाना चाहते हैं, अगर आप भी डाउनलोड करना चाहते हो, जाइए मेरे चैनल पे, वहाँ पे वीडियो अपलोड किया हुआ है GB व्हाट्सअप कैसे डाउनलोड करना है, वहाँ से देख करके GB व्हाट्सअप डाउनलोड कर लीजिए। और फिर यह फोटो कैसे सेट करना है इसका भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको भी देख के आप सेट कर सकते हैं। चलिए GB व्हाट्सअप ओपन करने के बाद आपको कोना में 3 डॉट शो कर रहा है, 3 डॉट वाले ऑप्शन पर करना है क्लिक। फिर इस पर क्लिक करने के बाद ये सेटिंग है, चार दिन आपके सेटिंग में। फिर सेटिंग आने के बाद स्क्रॉल डाउन करके आना नीचे। नीचे आने के बाद आपके यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा स्टोरेज एंड डाटा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टोरेज एंड डाटा वाला ऑप्शन, इस पर करना है क्लिक। चलिए इस पर क्लिक करने के बाद देखिए सबसे ऊपर आपको शो कर रहा है मैनेज स्टोरेज, आपका सेटिंग नंबर 1 बता रहा हूँ जो मैनेज स्टोरेज है, इस पर करना है क्लिक। चलिए देखिए यहाँ इससे क्या होता है मैनेज स्टोरेज से, कि आप अपना जब से आप अपना व्हाट्सअप बनाए हो तब से लेकर के आज तक किसी का भी डाटा चेक कर सकते हो, किसी का भी चैट देख सकते हो। इस देखिए यहाँ पर टोटल मैंने इतना व्हाट्सएप पे चैट किया हुआ है, फोटो हो, वीडियो हो, टाइपिंग हो, जिसे भी मैंने चैटिंग किया हुआ है सब मेरे यहाँ पे खोलने के बाद देखिए यहाँ पर टोटल शो कर रहा है, जितने मैंने व्हाट्सएप भेजा है और लिया आया गया है, देखिए टोटल यहाँ पर शो कर रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हो टोटल चैट अपना। और दूसरा इससे क्या होता है कि जैसे आप यहाँ से आकर के अगर यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हो तो आपका स्टोरेज जो है बहुत ही खाली भी हो सकता है। देखिए टोटल 277 MB में इस व्हाट्सएप का चैट मेरा भरा हुआ 864 है, 406 है। जो डिलीट मैं कर दूंगा जो मेरा इंटरनल स्टोरेज है वो काफ़ी और खाली भी हो जाएगा। तो आप यहाँ से स्टोरेज खाली भी कर सकते हो और वो भी और अपना चैट भी देख सकते हो। चलिए दूसरा सेटिंग बताता हूँ, दूसरा सेटिंग किया है फिर उसी में स्क्रॉल अप करना है नीचे और देखिए यहाँ पे फोटो अपलोड क्वालिटी पे करना है क्लिक और यहाँ से बेस्ट क्वालिटी पे करके ओके कर देना है। इससे क्या होगा, जैसे आप अपने जैसे आप अपना व्हाट्सएप से किसी दूसरे व्हाट्सएप पे अपना फोटो सेंड करते हो या किसी का भी फोटो सेंड करते हो तो उस फोटो का क्वालिटी देखना भेज करके कम हो जाता है। अगर आप फोटो 500 MB में भेजते हो तो फिर उधर जा करके 50 KB में हो जाता है। तो यहाँ सब अगर आप बेस्ट क्वालिटी कर देते हो तो फिर अपने जितना क्वालिटी में आपका फोटो आपके पास है उतना ही क्वालिटी भेजने के बाद होगा। ये नहीं है कि क्वालिटी कम होगा, थोड़ा भी क्वालिटी कम नहीं होगा, बेस्ट क्वालिटी में क्लिक रहेगा तब। तो आप यहाँ से बेस्ट क्वालिटी क्लिक करना है, फिर यहाँ वीडियो क्वालिटी उसी तरह इसको भी बेस्ट क्वालिटी करना है ताकि वीडियो को क्वालिटी भी आपका कम ना हो, धुंधला ना हो। चलिए दोस्तों बता दूँ, देखिए तीसरा और अंतिम सेटिंग क्या, देखिए यहाँ जो प्रॉक्सी सेटिंग है इसको करना है ओपन। ओपन करने के बाद इसको यहाँ से ऑन कर लेना है। प्रॉक्सी सेटिंग से क्या होगा आप सोच रहे हो कि इसे ऑन करने से हमको क्या फ़ायदा होगा, इसे ये फ़ायदा होगा कि आप किसी से भी डाटा ऑफ रहने के बाद भी या MB ना रहने के बाद भी किसी से भी चैटिंग कर सकते हो, आसानी से भी चैटिंग कर सकते हो। तो आपको ये व्हाट्सअप का जो 3 सेटिंग है, इंपोर्टेंट सेटिंग, हिडन सेटिंग, सेक्रेट सेटिंग, ये तीनों सेटिंग को आपको कर लेना है ऑन। आई होप कि वीडियो आप लोग अच्छा समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दे। चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।